हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं रिएक्ट करने जा रही हूँ एलिवेश यादव की वीडियो पर। इस वीडियो का टाइटल है ट्यूशन टीचर की बेटी से प्यार पार्ट थ्री है। पार्ट वन पे पार्ट टू पे मैं रिएक्शन दे चुकी हूँ। अभी तक आपने नहीं देखी है स्टोरी को, आपने नहीं देखा है तो जाइए पार्ट वन से स्टार्ट कीजिए, पार्ट टू तक देखिए। पहले पार्ट थ्री को आप मेरे साथ देख लीजिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। आप अपने फ्रेंडों को और फैमिली के साथ भी आप अपने इस वीडियो को देख सकते हैं। और आप वीडियो ज़्यादा ही आयो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देखने आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल सब्सक्राइब को जरूर कर लेना। और हाँ गाइस, आज थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे बैकग्राउंड में, तो देखिए मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है। आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक को दोनों को फॉलो कर सकते हैं, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि आपने एपिसोड टू में देखा कि शालू मतलब ट्यूशन वाले सर की बेटी मोमोज वाले के साथ भाग जाती है और एल्विश को समीर सब कुछ बता देता है और उसे रियलाइज़ करवाता है कि स्नेहा ही सही है उसके लिए। अब जब एल्विश स्नेहा को मनाने जा रहा होता है तो देखता है कि स्नेहा राजू के पास चली गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दिना 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 अरे फूलसिंह, मो या चीज को दुखना कि मेरी छोरी मोमोज वाली गैल बग्गी, मो या चीज को दुखा भैया रसोई में था कटोरी चम्मच भी गायब है। मतलब वो मोमोज वाला मेरी कटोरी चम्मच यूज करेगा और मेरी छोरी भी। ओ यार, मेरे को ऊंचा ना एक बारी कोचिंग वाले बच्चे आए। वैसे स्नेहा या ट्यूशन के बाद मेरे साथ कॉफी पीने चलेगी और कॉफी के बाद क्लबिंग चलेंगे और क्लब में जाकर धुम्मा उठा देंगे। और मैं नाइकी के शूज भी तो लाया हूं ना, स्पोर्ट्स शूज वाले। स्नेहा स्नेहा यार, एक बारी बात तो सुन ले यार, तुझे सुनाई नहीं दे रहा मैं तुझे बुला रहा हूँ। हाँ, क्या बात करनी है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं तुझे इग्नोर कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी। बहुत सही, बहुत सही, तुझे मुझसे बात नहीं करनी ना, बहुत सही कर रही है बेटा। अरे ओ, जब लड़की कह रही है उसको बात नहीं करनी तो उसको नहीं करनी ना, तो आराम से बैठ ले नीचे। अबे ओ, तू कोई भी नहीं है बेटा हमारे बीच में बोलने वाला, दोस्त है मेरी वो। दोस्त वो थी, अब वो मेरी है, आगे बात समझ। ये जो तू कर रही है ना, ये बहुत बुरा कर रही है स्नेहा। यार एल्विश की लड़ाई वाली फ्रस्ट्रेशन हमारी बीच में क्यों लेके आ रही है तू? और इस कीड़े मकोड़े के साथ घूमेगी क्या? स्टैंडर्ड देख यार। कीड़ा मकोड़ा किसको कह रहा है? तुझे? कीड़ा मकोड़ा किसको कह रहा है? यार ट्यूशन माए देर ना हो भाई, ये पहले ही लड़ने लग जाए। इनकी मम्मी ने कहा था कि जन्म दियो, इन्हें भी नहीं छोड़ूंगा भाई। ओए 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 छोड़ो, उछड़ के मारूंगा कान पे लात खींच के। यहाँ तुम पढ़ने आओ या लड़ने आओ? आज जा रहा हूँ रात को तुम्हारी मम्मी धोरे, मतलब तुम्हारी शिकायत करने। यस, मेरी मम्मी तो बच्ची मामा के जा रही है। मैं तेरे मामा के भी जा सकूं? सर पर मामा का घर तो सोनीपत में है। या केएमपी पे चढ़ूंगा सीधा धैड़ देसी ना सोनीपत, यू सोनीपत पानीपत करनाल सारो मेरे ही तो रूट है। सर ट्यूशन ही पढ़ाओ। कुछ और करे बताओ, एल्विस ना दिख रहा है? एल्विस कहाँ है? सर वो एल्विश को आज थोड़ा कुछ काम था इसलिए आज वो शायद आ नहीं पाएगा। अच्छा अच्छा। सर आप छोड़ो ना, पढ़ाओ, ऐसे लोगों पे कब तक टाइम वेस्ट करोगे? मैंने तो छोड़ दिया, आप भी छोड़ दो। ओह, अब तुम बताए कि कहाँ करना कहाँ ना करना। तू छोरी यार, तो तक कहाँ कहूँ, तेरी मम्मी की उम्र भी बहुत ज्यादा हो रही है। बात है तो खैर, मैं कहाँ कहूंगा। तुम बैठ जाओ, अरे भाई किताब निकाल रहा आराम से बैठो। इतनी यादें तेरी पर तू मेरे पास ही नहीं, इतनी बातें हैं पर करने को तू साथ नहीं। अब तो आ जा साजना, मिटा दे ये दूरियां। यूपीएससी में आने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाड मत लाओ, आया को ध्यान दो। अगर एक भैंस 8 लीटर दूध देवे तो वह दूध कैसे बढ़ाया जा? खड़बाट गेर के, दलिया डाल के, या सरसों के तेल डाल के? वाह का इंजेक्शन ठोक। अरे तू पागल है, भैंस बिगाड़ेगा क्या? लात मारेगी। सर वो मेरे को ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है तो मैं थोड़ी देर में आऊं।
अरे तेरे को वेरी इंपॉर्टेंट काम होगा, तेरे बाप ने भी कभी वेरी इंपॉर्टेंट काम करे? मेरे बाप ने बहुत इंपॉर्टेंट काम करे, ठीक है ना? अरे तेरे बाप ने वेरी इंपॉर्टेंट काम करे होते ना तो मैं तेरी मम्मी द्वारा नहीं जाना पड़ता। सर प्लीज जाने दो यार, किसी की जिंदगी मौत का सवाल है, प्लीज सर प्लीज। हे भगवान, का की जिंदगी मौत का सवाल है? जा बेटा जा, तू जा। आती है ना राजपाल के दो छोले कुलचे की प्लेट ले आइयो। अरे तो बढ़िया, तो तेरी मम्मी है, कभी ना मना करे मत। खाने पीने की यार। अच्छा खाने पीने की। अरे खाने पीने को नाम लियो ना, मेरे मुंह पे झांकने लग जाओ, घुस जाओ ना ये मैं। पढ़ा मैंने, पढ़ा तो मैं रहे हूँ, जितनी तेरी जवान चलेगी ना उतनी मेरी फीस बढ़ेगी। पास करें। हाँ बेटा, तो भैंस को दूध बढ़ाने के लिए भैंस के बिंदी लिपस्टिक लगानी बहुत जरूरी है, और उनकी थ्रेडिंग भी करवाओ। थ्रेडिंग भी फिनिशिंग करवाओ। बढ़ तो रहेगा दूध। कोई दिक्कत नहीं है पापा, जैसा आपको ठीक लगे। क्या सोच रहा ब्रो? भाई मैं सोच रहा हूँ, जो बादशाह का गाना है ना, कर्मा इज अ बिच बॉय, भाई वो तो असली का गाना है यार, कर्मा तो सच्ची के बीच निकली भाई। भाई इफ कर्मा इज अ बिच तो सिंपल आंसर, लेट इट बी। इतनी जल्दी हार मान जाएगा क्या तू? एटलीस्ट उससे बात तो करके देख भाई, तेरा कुछ घट नहीं जाएगा। जब तेरी बारी आई तब तूने अपना कर लिया ना, अब उसकी बारी आई है, थोड़ा बंदी भाव खा रही है यार, सह भाई। उससे मिल, सारी चीजें सॉर्ट आउट कर, अपनी गलती रियलाइज कर, सब सही हो जाएगा। वो बहुत सही बंदी है भाई। इतना इजी है क्या ये सब? मतलब मैं उसके पास सॉरी बोलने जाऊंगा और वो मान जाएगी? ऑब्वियसली यार भाई, भूल गया तुझसे प्यार करती थी वो, सब सिंपल है। अच्छा जी, ऐसा सीन है कि मैं तो फालतू फंड की बीटी ले रहा हूँ यार, फिर चल रहे हैं। तू कहाँ बैठा देखियो? और चल रहे हैं फिर, तार तो दे मैंने। चल रहे हैं? हम पागल है का? या तो पूछ, इतने दिन तक सामने बैठी रही, आज तक हमने नैन मटक के करे या था? चल बैठ। सर आप तो बड़े बेवकूफ आदमी हो यार, आपके अंदर इमोशंस नहीं है क्या, दिल नहीं है क्या आपके पास? अरे यार एल्विस, तो कहा बताऊं या क्या, अगर दिल कहां काम करे? चमेली की आदवादी नागानी की बाल को आज मैं तुम्हें बताऊंगा यूट्यूब पे वीडियो ट्रेंडिंग में कैसे लेके आवे। जैसे टाइटल में भाभी को हुआ देवर से प्यार, और थंबनेल पे ना अपनी गर्लफ्रेंड को बट 200 फोटो लगा के, और ना अपने जो वीडियो है ना वहां पे ऐड चलवा के, दैट दिस ना ट्रेंडिंग में आएगी। और हां अच्छा कंटेंट बना दियो तो वीडियो बिल्कुल नहीं चलेगी, पिट जाएगी। भाई ऐड वाला सिस्टम सही लग रहा है ना यार, ये पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं पढ़ा रहा। भाई इसके साथ बैठा और कितना बुरा लग रहा है यार। यो ओए हमारा बाल भी पाड़ सके तू? मैं तेरे साले कौन ही मारूंगा, पेट में पेट अंदर हो जाऊंगा मछुआरे से मुंह के। फालतू बोल रहा है, क्या करना है नू बता। भाई तू इसके पास जा और इसको ना कुछ बोल, बस स्टार्ट कर, कुछ भी बोल, मना इसको। पक्की बात है? हाँ भाई। स्नेहा तुझे दिखाई दे रहा हूं मैं? हाँ। तो इसे क्यों नहीं दे रहा भाई, बहरी है क्या? अबे यार वो नाराज है भाई, ड्रामे कर रही है, कुछ बोल ना, कुछ तगड़ा बोल कि वो सुने। बोल स्नेहा। हाँ यार मुझे कुछ बात करनी थी पर मुझे नहीं करनी। अबे क्या बोल रही है? अपने फ्रेंड को बीच में ला बोल रही है, अंदर से इसको भी बात करनी है, बस एक बारी प्यार से बोल। तो साढ़े बेइज्जती करवाने लाएगा मेरी इधर? यार ऑप्शन है अपने पास कोई और नहीं ना, बात कर यार, मेरी बात तो सुन ले एटलीस्ट। सुनाई नहीं देता क्या तुझे? सुबह उसे भी बता चुकी हूँ और अब तुझे भी बता रही हूँ कि मुझे कोई बात नहीं करनी किसी से। तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रही अब? मैं जा रही हूँ। मैं कुछ बोल रहा हूँ ना? अरे वो दल्ले, जब लड़की कह रही है वो इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है ना, क्यों पीछे पड़ा हुआ है? मैं साले के कान पे ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना, क्या कह रहा है ये? मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। स्नेहा रुक, तू कहाँ जा रही है? अपनी मम्मी द्वारा जा रही होगी। ऐसी तैसी तो तेरी मैं करूंगा साले। अब तू कहाँ जा रहा है?
यार ये ट्यूशन है धर्मशाला है, अब और कहीं अभी जाना होगा? अरे यार मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा। स्नेहा देख तुझे तेरी मम्मी कसम है, रुक जा यार, तू तो मम्मी कसम का भी लिहाज ना कर रही। हाँ क्या बात करनी है? दो मिनट बात कर सकता हूँ? नहीं, जब एक लड़की मना कर देती है ना एल्विश, उसका मतलब मना ही होता है, नो मीन्स नो, मुझे कोई बात नहीं करनी है। तुझे जाना है ना, मेरी लाश के ऊपर चलिए, जा चलिए मत जियो। वाह बेटे, हम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले, मेरी छाती के ऊपर पैर रख के चली गई। याद रखियो मेरा दोबारा टाइम आऊगा। ए यार ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है ऐसा भाई? ओए ओए खड़ा हो, ये सारा मिट्टी मिट्टी हो गया, कोई खेल दिखा रहा है यहाँ पे? यार भाई सब तमाशा बना दिया यार, कभी चल के दिखा रहा है, कभी लेट के दिखा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? तो मैं क्या करूं बता, मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है क्या यार? मैं फीलिंग है तो फीलिंग ऐसे थोड़ा दिखाते हैं फीलिंग यार, कहीं अच्छी जगह लेके जाओ उसको, माहौल होता है यार एक। अबे कहां चली गई मेरी गर्लफ्रेंड? अबे यहीं से तो गई थी अभी। मैं इसका साड़े का बहन मिटा काऊं, रुक बहुत मारियो। ओए क्या गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड लगा रखे, तेरी गर्लफ्रेंड है वो? हां कद बनी कल? अबे खस्सी एक दिन की गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड नहीं कहते। हाँ भाई सही कह रहा है ना, उसे तो बहू कहते हैं। भाभी कहाँ गई हमारी? ओ साले अपनी लिमिट में रह करो ठीक है ना, ना थारी ऐसी हालत कर दूंगा, थारे पैर तोड़ दूंगा, बड़े वाले भी और छोटे वाले भी। और कल तक कैब मारना पड़ेगा। क्यों? तू स्कूटी चुरा लेगा हमारी? सुनी ना के तारे पैर तोड़ दूंगा, तेरे तो साढ़े झोटे, तुम तो रांधे का खाऊंगा, समझ आ गई है? चला जा। एटलीस्ट चीयर्स तो मार ले यार। प्रथा ले भाई चीयर्स। प्रथा वहां रोड पे वो छोरी बेइज्जती करके भेज रही है मेरे को, यहाँ पे तो अपने घर पे बुला के बेइज्जती कर रहा है, साले कांच के गिलास ना है कि चाय के कपो में पिए कर रहा है दारू। अबे यार तेरे को पता तो है डैड भी ड्रिंक करते हैं, तो वो सारे कांच के गिलास गुस्से में आके हमारे सर पे फोड़ देते हैं, अब बचे यही तो यही। अगली बार आऊंगा ना तो ये भी फोड़ पाएगा तारे टाट पे वो। मैं ये सब छोड़, स्नेहा का क्या करना है? स्नेहा का क्या करना भाई, तूने मेरे से कही थी उससे बातचीत कर, मैंने बातचीत करी, वो नहीं मानी, बात खत्म। ये फिर ईगो प्रॉब्लम ना बे यार, ईगो प्रॉब्लम इज नॉट अ सॉल्यूशन भाई। अब उस बंदी का दिल टूटा, तू किसी और बंदी के साथ था, अब हील होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना भाई। देख टाइम वाइम लगता हूँ मेरे को पता नहीं भाई, उसने बीच सड़क में मेरी बेइज्जती करी है यार, मेरी छाती पे पैर रख के गई है। छाती पे पैर रखने का मतलब पता तुझे? छाती पे पैर रख के गई है भाई वो। तो क्या हो गया भाई, बेइज्जती कराना था वैसे भी तेरा काम है, ये सब छोड़। मेरे को ऑनेस्टली बता, बेइज्जती कराने का तेरा काम चाहिए भाई? हाँ तो चाहिए तो बाबा झुकना पड़ेगा, और ऐसा झुकना पड़ेगा कि उसके पैर में गिर जा, सबसे बेस्ट। ओ भाई राव साहब के बाड़ा के घर वाले इनके अलावा किसी के पैर में ना गिरे करे, ठीक है यार, खासकर छोरी का तो कति भी ना, कुछ और बता। तो पैर में नहीं गिरना तो एक काम कर, गोड़े पे गिर जा, इतना गिरा हुआ तू पहले ही वैसा है, अब थोड़ा सा और गिर जाएगा तो तेरा घर बन जाएगा यार। क्या करना है? उसके पास जा और प्यार से बातें करके सारी चीजें सॉर्ट आउट कर ले, वो मान जाएगी यार, मानी पड़ी है वो, लेकिन तू प्यार से बात ही नहीं करता उससे। पर चला जाऊंगा, पर कल जाऊंगा ठीक है ना भाई, मेरी छाती में दर्द हो रहा, बाम लगा रखा है, ऊपर से जाड़ा कितना हो रहा है, अब जाऊंगा सीधा सोड़ में बढ़ जाऊंगा, कल जाऊंगा एक पैर से बैठ। तो ठीक है काम करते हैं, कल सुबह 9 बजे निकलेंगे, और रेडी रहियो बस प्लीज, ये ना हो कि तू रेडी ना हो यार प्लीज। हाँ भाई अलार्म लगा दियो यार, मैंने 8:30 बजे जगा दियो, चला 8:30 बजे मत जगा दियो, बिना नहाए जाऊंगा भाई। क्या भंगार ले रखा था ना इसने बेच के, तू रोलर स्केट ले ले साले, कंपटीशन तो खेल जाएगा, इसमें तेल तो है ना साले, मूत मूत के भरेगा भाई तू इसको। हाँ भाई तू मैंने कमजोर मान रहा था, बताओ रे इससे मैं कमजोर हूँ के? थोड़ा तो है भाई।
अबे बतान की थोड़ी है भाई, हमारा भाई कमजोर ना है। ओ साले, और तू क्या कह रहा था, मैं कीड़ा मकोड़ा हूँ साले के, ऐसा लड़ूंगा ना चिल्लाता डोलेगा यहाँ पे। अरे साले क्यों टाइम पास कर रहा, कुछ इम्पोर्टेंट काम करने जाना, हटाई ना चल। अरे भैया ने कह दी, हम तो डर गए भाई, गाड़ी डालो चलो गाड़ी। अरे ओ सच में गाड़ी हटाने की ये किधर है, खड़े हो यहाँ पे, हम गाड़ी हटाना है यहाँ पे। ओए तू क्या कह रहा था, हमने कैब से भिजवा होगा, हमारे पैर तोड़ेगा, हमारी स्कूटी चुरा लेगा। पैर तो मैं तोड़ूंगा तेरे, और वो भी तीनों तीनों तीन। अच्छा हाँ भाई, तीनों पैर टूटेंगे और टोटल छह पैर तोड़ेंगे। ओ भाई यार, ये मेरे पैर तोड़ने क्यों कह रहे हैं यार, इसको बोलना तेरे पैर तोड़े सिर्फ। तू दोस्त है, दुश्मन ऐसे दोस्त रह रहे हैं। अटैक गाइस। ओ भाई ये तो आ रहे हैं यार, उल्टा मोड़ना इसको। अरे तू टेंशन मत ना ले, तुझे पता ना आएगा फूफा बदमाश है। डरते ता हुंडे बांदरा दे तालनी, हाओ यूपी तो मगाए असले नी चलणे। रिलैक्स गाइस, रिलैक्स गाइस। ओ भाई इसकी ना है लोहे पीतल की ना है, हम लकड़ी ले रहे हैं ना, तू भी लकड़ी तो लड़। भाई मेरे पे ना कोई लकड़ी पकड़ी, यही चीज ले रहा हूं, लड़ना तो बता। रुक जाए मैं डिस्कस कर लूं। आ जा रे। क्या करना है गाइस? भाई पीतल के आगे किसकी चला है भाई, कल फिर पकड़ लेंगे। अबे तो कल भी तो हो सकती है इसके पास गन। भाई इसका जवाब मेरे पास ना है, मेरी मम्मी बुला रही है, मैं घर जाऊं। माय गॉड। देख भाई देख, अभी ना हमको काम है और उसकी मम्मी भी बुला रही है, तो हम चलते हैं। और सुन, ये मत सोचो कि हम डर गए हैं, ठीक है, हम डर नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, ठीक है, तो मिलते हैं। क्या डेंजर चीज लेके घूम रहा है अपने साथ यार तू? मैं तो साले ना मेरा क्या का चीज धरे करू, सारी चीज बताने की थोड़ी रहवा, बैठ जल्दी आ बेटे, छोरी सेट करनी आज। इसको आराम से चलेंगे, इसको आगे ठा दूं? नहीं 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 बस तो बैठ। मौसम कितना बढ़िया हो रहा ना। वो क्या करना है इसका? अभी फूल दे लो उसको, फूल। अच्छा फूल भी तो ले रहा हूँ मैं। स्नेहा तेरे को रोजेस बहुत पसंद है ना, देखते ले लेके आया हूँ। नहीं अब नहीं है। पहले तो बहुत पसंद है तुझे यार। पहले तो और भी बहुत चीजें पसंद थी, जरूरी थोड़ी ना अब भी हो। यार स्नेहा कितना टोंट मारेगी भाई, तू ट्यूशन से लेके अब तक टोंट ही टोंट मारे जा रही, भाई इतने टोंटों से मर जाऊंगा मैं। तू मुझे यहाँ पे ये सब बताने आया? देख आई नो मेरे से गलती हुई है, बट गलती इंसानों से ही तो होती है यार, प्लीज माफ कर दे। एल्विश कितना कैजुअल है ना तेरे लिए कि गलती हो गई माफ कर दे। तू किसी और इंसान के बारे में तो सोचता नहीं है, तो मेरे बारे में क्या ही सोचेगा। पर रियलिटी है कि मेरी बहुत फीलिंग्स हर्ट करी हैं तूने, और मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। कभी तूने मुझसे पूछा कि कहाँ है कैसी है, तब तो उसके आगे पीछे घूमता रहा, अब तुझे मेरी याद आ गई, क्यों करूं तुझसे बात? यार मैं अपनी गलती मान तो रहा हूँ, तेरे को सॉरी भी बोल रहा हूँ, और इसका सॉल्यूशन बताना, तू तेरे आगे नाक रगड़ू क्या? तुम्हारा नहीं, ये दो दिन का है, कल को तुम्हें कोई और लड़की मिल जाएगी, तुम उसके पास चले जाओगे। और मुझे पहले से ही पता था कि तुम ऐसे हो, मैं ही थी जो मान नहीं रही थी। अब मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम जाओ यहाँ से। ओए तेरे बाप की जगह जो यहाँ तक चला जाऊंगा, इतनी देर तक तेरे फालतू पंडित के नखरे सुनने लग रहा हूँ, इतनी माथा पच्ची ना अपने घरवाले के साथ भी नखरे करूँ मैं, किसी सॉरी वोरी मांगता फिर ठीक है ना। अरे इतनी सॉरी किसी और छोरी का आगे मांग लेता ना, मेरा चिपट जाती, चिमटे तो चुटानी पड़ती वो। गुड़गांव का फैन ही मैग्नेट हूँ मैं, ठीक है। और एक और चीज बताऊँ, मैं नहीं आया था तेरे पीछे, तू आई थी मेरे पीछे। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सही में ज्यादा हो गया क्या यार? तुम्हें मुझे रोक देना चाहिए था ना। ओए प्लान फेल हो गया क्या यार? तो इस कीड़े मकोड़े के साथ घूमेगी, देख तो यार उस स्टैंडर्ड है उसका। सही एक्टिंग करते तुम लोग यार। भाई मैं तो कह रहा हूं अपना YouTube चैनल बना लो, सक्सेसफुल हो जाओगे। वो सब तो ठीक है, मगर आगे का क्या प्लान है? भाई आगे का प्लान एकदम सिंपल है। भाई उसको भी तो रियलाइज होना चाहिए ना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है, तो दो तीन दिन उसके साथ ढंग से मजे लेते हैं, जब उसको रियलाइज हो जाएगा और तेरे को सॉरी बोलने आएगा तब हाँ बोल दियो,
और तब तक जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा चलने दो बस, बाकी तो सब सॉर्टेड है। यार तू सही कह रहा था, कुछ ज्यादा ही हो गया। ओहो यार तू टेंशन क्यों ले रही है, मैं जानता हूँ ना उसको, कुछ गलत नहीं हुआ, उसके पास चलते हैं, उसको सॉरी बोल दियो, वो मान जाएगा, और एट द एंड तेरे से प्यार तो करता ही है वो, सब सीन सॉर्टेड है। पक्का ना? हाँ। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं कुछ गलत नहीं कर रहे, चलो आओ चलते हैं। भाई पहली बात तो कांग्रेचुलेशन एल्विश के साथ तेरा रिश्ता पक्का हो रहा है, और दूसरी बात अंदर जाके कोई भी समोसों को खोसेगा नहीं, मिसबिहेव नहीं करेगा, और सॉरी बोल दिया, इस बार गलती हमारी है, इस सीरीज को यही एंड करते हैं। याद रखियो मेरा दोबारा टाइम आऊंगा। कुछ लम्हों के फासलों पे तू मेरे साथ था, आज उतना ही दूर गया तू जितने पास था। कैसी लगी भाई वीडियो? फिर तुम बता भाई सस्पेंस कैसा लगा? भाई सस्पेंस हमारे हिसाब से तो बहुत बढ़िया था। अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी हो और इसका अगला पार्ट चाहिए हो तो भाई वीडियो पे सबसे पहले पार्ट मैंने 400,000 लाइक बोला था, पिछले वाले मैंने 500,000 लाइक बोला था, इस बार मैं 6 नहीं बोल रहा, इस बार मैं 7 बोल रहा हूँ। कर देना यार कर देना। नहीं मैंने 6 बोला था पिछली बार, 6 बोला था भाई, इस वाली पे 7 है ठीक है, 700,000 लाइक करवाने इस वाली वीडियो पे, 7 नहीं, एक काम करो तुम जितना मर्जी 7 से ज्यादा करवा देना, अगला पार्ट लेके आएंगे। और भाई ऐसे प्यार देते रहो, सपोर्ट देते रहो, लाइक कमेंट शेयर सब चीज करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, आ गया होगा नीचे आगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारी चीज। ठीक है ठीक है। ओ भाई कितनी सैड सैड स्टोरी थी। वैसे तो हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का लड़की के पीछे भागे, अगर दोनों का प्यार साथ में है तो दोनों साथ में भागते हैं, लेकिन बट लड़का ऐसा करता है, ऐसी लड़कियां भी काफ़ी करती हैं कि अगर उससे कोई हैंडसम लड़का मिल जाए तो उस लड़की के पीछे जाती हैं। तो इस वीडियो में यही शुरू से चल रहा है, इसका 4 पार्ट आने वाला है। आप लोगों को पसंद आएगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं पार्ट 4 पे जब भी आ जाएगा तो मैं रिएक्शन दे दूंगी। और आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा और लास्ट की स्टोरी कैसी लगी? बहुत ही सैड थी, जब तक वो सॉरी मांगने गई उनका मजाक बहुत ही मतलब उल्टा हो गया, बहुत ही खतरनाक जो लास्ट स्टोरी थी। इसका 4th पार्ट आएगा, पता नहीं इसमें क्या होने वाला है, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस 4th पार्ट को देखने के लिए। और आप लोगों को कैसा लगा ये पार्ट, आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा सीन अच्छा लगा आप लोगों को। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, जल्दी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।